हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महिलाओं और बच्चों के प्रेरणा बनी अनादरा थाना अधिकारी गीता सिंह पामेरा विद्यालय में बच्चों को किया संबोधित। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पामेरा वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया। मुख्य अतिथि अनादरा थाना अधिकारी गीता सिंह भी थाना अधिकारी गीता सिंह महिलाओं और बच्चों को जागरूक करने में कोई कमी नहीं रखते। रात दिन छात्राओं और महिलाओं को संदेश देती है कि हमें आगे आकर देश का नाम रोशन करना है। दूर आ पहुंचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना, तेरे जर्रों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जमीन पर निकल दो। सर्वप्रथम माँ शारदा के चरणों में वंदन, जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करके इस मंच पर बुलाया। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, अभिभावकगण और मेरे देश के भविष्यों बच्चों और मेरे देश की बेटियों, आज आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे आने में देरी हो गई, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। परिवार में सबसे जो नींव होती है हमारे परिवार की, वो बच्चे होते हैं। एक माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार देते हैं और वही शिक्षा और संस्कार आगे बढ़ के वो बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। इन समाज से मैं कहना चाहूंगी कि आज भी आपने कह तो दिया सर कि 50% आप में बच्चियां पढ़ती और 50% बच्चे पढ़ते हैं, मगर समाज की मानसिकता ये है कि बच्चियां जब पढ़ने के लिए आती है और जब वापस घर पे जाती है तब वो काम करेगी, और बच्चा तो घूमने जा सकता है, खेलने जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है और मैंने तो इस समाज में ही रहती हूँ और इस समाज को मैंने देखा है। ग्रामीण परिवेश में ये समस्याएं हैं, सिटी के अंदर ये समस्या अब नहीं है। अब वहाँ पे बेटियाँ भी काम नहीं करती है, वो भी पढ़ाई ही करती है, पर ग्रामीण में ऐसे है कि बेटा यदि घर से बाहर चला गया तो कोई नहीं पूछेगा बेटा कहाँ गया, और बेटी यदि 5 मिनट अपने पड़ोस की सहेली के पास चली गई, हाँ कटे गई थी, यही वर्ड होते हैं आपके, होते हैं या नहीं होते? तो अपने बच्चों पे विश्वास कीजिए, अपने बच्चों पे विश्वास कीजिए और अपनी बेटियों का मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि इन बेटियों को आप लोग ही मजबूत बनाएंगे। इन बेटियों की पीठ आप अभिभावक ही मजबूत बनाएंगे, और जब तक आप अपनी बेटी की पीठ को, कदमों को मजबूत नहीं बनाएंगे तब तक वो बेटियां यहाँ नहीं पहुंच पाएगी। तो आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि कम से कम आज से तो आप अपने बच्चे की, जब तक ग्रेजुएशन नहीं होता, जब तक आपकी बच्ची पढ़ना चाहती है तब तक आप उसको पढ़ाएंगे। ये समाज अपना मृत्यु भोज बंद कर देता है, बाल विवाह बंद कर देता है। मुझे ये बताइए कि ये समस्याएं पैदा कहाँ से हुई है? ये सारी समस्याएं शिक्षा के अभाव के कारण पैदा हुई है। यदि समय रहते शिक्षा अपनी अच्छी होती तो ये समस्याएं नहीं होती। तो इसकी जड़ को ही समाप्त करो। तलवार तुझे झुकना होगा, आज गर्दन ने बगावत कर दी। हम इसी तरह से मनोबल बनाए रखें और शिक्षा प्राप्त करें अपने अभिभावकों के साथ में लेकर। आपके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप सभी से अनुरोध है कि आपके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन बेटियों यदि ये सहयोग ना दे तो अपन इनके बिना भी आगे बढ़ सकते हैं, ये भी सोच लेना, क्योंकि ये सहयोग देंगे तो जल्दी बढ़ेंगे अपन, और सहयोग नहीं देंगे तो थोड़ा वक्त लगेगा। तो कौन से माता पिता नहीं चाहते कि अपनी बेटी इस मंच पर आए? सारे के सारे चाहते हैं। तो आज सभी संकल्प कीजिए कि आप अपनी बेटियों के पंखों को हौसलों की उड़ाने देंगे, आप अपनी बेटियों के पंखों को हौसलों की उड़ाने देंगी, और ये मेरा वादा है कि वो बेटियां कल आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी, वो बेटियां आपको कल गौरवान्वित महसूस करवाएगी। अपने विचारों को ज्यादा बड़ा नहीं करते हुए, मुझे पता है समय कम है, इसीलिए ललकार इन बेटियों को अंत में
ऐ देश की बेटियों, ऐ देश की बेटियों, तुम बेटा बन के दिखला दो, जो कर सकते हैं बेटे, अरे उनसे भी ऊंचा बन के दिखा दो। तुम क्या नहीं कर सकती, अरे तुम क्या नहीं कर सकती, जो चाहे नारी शक्ति। माना तुम नारी थी अब तक हारी थी, लेकिन चाहो अब तो गगन को छू सकती हो। मैं चाहती हूँ और क्षेत्र में हो नारी तुम्हारा बोलबाला, ना सहो किसी के तीर तुम जवाब दो हाजिर, ना सहो किसी के तीर तुम जवाब दो हाजिर। तुम बेदी गांधी को तुम अपना आदर्श बना लो, अरे सीमाओं पे जाओ बैठके शहीदों में तुम नाम लिखा दो, अमर कर दो नारी शब्द को स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा दो, ऐ देश की बेटियों तुम बेटा बन के दिखला दो। थैंक यू, आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। आप सभी ने मुझे यहाँ इस कट्टर धोनी के साथ में जो आमंत्रित किया है, मेरे मनोबल का बढ़ाया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो मेरा काम है उससे मैं बढ़ के आपके लिए करूँगी। थैंक यू सो मच। जागरूक टीवी के नागानी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।